तो ये देखिए ये सिगरेट पी रही है गोरी, देख रहे हैं आप काम में है। और इटली में जो है लोग कितने कितने पैसे कमाते हैं, कितनी देर में बंदे के डबल। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो बना के जोरों का दूंगा, ठीक है। वो कह रहा मैं तुम्हें ना 7 यूरो का ये दूंगा, ठीक है। मतलब जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं तलहा खान। आज आए थे बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है, वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि मैं अपने चैनल पे हर चीज़ की यूरोप के रिलेटेड आपको वीडियो बना कर बताता रहता हूँ कि यूरोप में कैसा कल्चर होता है, कैसा कल्चर डे होता है, और उसके मतलब हर इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बना के आपको बताता रहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं। और मैं रेगुलर काम किया करूँगा, आप मुझे जैसा ही मैसेज किया करूँगा वैसा आपको रिस्पॉन्स दिया करूँगा। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं वीडियो कि हम आ जाए थे इधर फिरने, तो सोचा आपको वीडियो बना कर दिखाई जाए। ये 19 यूरो की मार्केट है पीछे जो है, ठीक है, जहाँ से लोग मार्केट लेते हैं, सामान वगैरह लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखे बस। तो ये आपको मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, इसने प्रोटेक्टर लगाए हुए हैं, ये मालिक मकान पर बैठा है बस। तो मोल तो ब्रावो निगोसियो, बड़ी अच्छी है, शीशे वगैरह लगाए हैं इटली में। और ये यहाँ पर ये फेरी लगाई हुई है, चौमी गोमी हो कमे वाह तो बहन है अलोरा यो ती फाचला नो 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 सी पर मियो मी को रिक्वेस्टा के quanto tempo venire in Italia questo faccio lavoro quanti tempo dopo quando venire un ragazzo nuovo in Italia quanti tempo dopo poi faccio la questo lavoro come te pare come te lui come capisci अब मैंने उसे ये सवाल किया कि अगर कोई बंदा इटली में आता है तो वो ये आकर क्या कितनी देर में ये काम कर सकता है। वो कहता है थोड़ी देर में बंदा ये काम कर लेता है। और मैंने इसे आज ये ख़रीदना था, ये गाड़ी का ना ये टूट गया था जिसे मैप वगैरह लगाते हैं, आज मैंने ये लिया है। ये तो फ्राक वस्तु कौन तो कोसता ना, मैं से इसकी कीमत पूछता हूँ कि जिसने मुझे कितने का देना है और ये पाकिस्तान में कितने का मिलता है, ठीक है। नाज़रीन वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। फ्राक वस्तु कौन तो कोसता ना मिदाई तू लुई मिदा, तो उसने कहा मैं 7 यूरो का दूंगा, 7 यूरो का है, ठीक है। जिसे आप समझ लें मीन काफ़ी मतलब 2000 के करीब करीब ना ये पहुंच जाता है, 2000-2500 के करीब करीब ना ये पहुंच जाता है, जो ना लगाते हैं गाड़ी में मैप, जिसे मतलब मोबाइल कनेक्ट कैसे जिसे मोबाइल मतलब अटैच करते हैं। तो इसने कहा मैं 7 यूरो का दूंगा, ठीक है। अब मैंने इसे ये लेना है, तो आपको वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये फेरी का ये ऐसे ही काम होता है, ये फेरी से ये मार्केट है, ठीक है। ये मार्केट के बाहर ये फेरी लगाई हुई है भाई ने, ठीक है। और ये यहाँ पर भी आगे मार्केट है, ठीक है। वो देख रहे हैं आप 19 यूरो है, फैमिली स्पिन है, और उसके साथ और भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट है। वेदर काफ़ी अच्छा हुआ था तो सोचा आपको वीडियो बना के दिखाई जाए। वो देखे सिगरेट पी रही है, ठीक है। अब वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर वो लोग जो हैं नाश्ता दे रहे हैं, वो कैसे मतलब उनका फेस्टिवल डे है और वो नाश्ता पैक करके दे रही है, जो जो लोग तो खाना चाहते हैं, ठीक है। वो जो नाश्ता दे रहे हैं, हेलो राबा बहन है मिदाई दानो सोल दी मिदाई, अब मैं इसको पैसे दे रहा हूँ। अब ये मुझे बकाया दे देगा, कसो पियो बोन ना। अब मैं से पूछ रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा है ना, कह रहा हाँ। तो अब वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलता हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। गोरे कैसे नाश्ता करते हैं, अब ये मुझे बता रहा है कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कभी तो अब ये बता रहा है ये कैसे खुलना है, बटन लगा हुआ है, तो बटन आप करोगे ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है।
और कोजी एको ना ठीक हो गया वह बहन भरा। अब मैं आपको वहाँ पर ले कर चलता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बेसिकली ये मार्केट है उनियारों की, तो यहाँ पर जो जो सामान खरीदते हैं वो लोग सामान खरीदते हैं यहाँ पर आके, और ये वो मैं तो मैंने लिया है। तो बेसिकली अब ये है, अब ये यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, गोरी नाश्ता बना रही है, बहुत ही अच्छा ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी इधर बैठ के। और ये देखें वेदर भी बहुत अच्छा बना हुआ है इधर का, इन्होंने काफ़ी बलून्स वगैरह भी लगाए हैं। वो बलून्स इसलिए लगाए हैं ताकि लोग, इनका हैप्पी फेस्टिवल डे आ रहा है ताकि लोग आकर मतलब यहाँ पर खाना वगैरह खाएँ। ये देखिए ये मियाले है जिसे हम कहते हैं, पर जुबान में हम पाकिस्तानी जो नहीं खा सकते हैं। ये है ये बहुत बड़ा मर्चा लिस्ट है इधर, ये भी लोग आपके लिए बनाया है ठीक है। और उम्मीद करता हूँ भी लोग आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट भी लोग मैं आपको और भी दिखाऊंगा वीडियो ठीक है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इटली में कौन कौन सा ज़्यादा काम होता है और कौन कौन सा ज़्यादा काम नहीं होता है ठीक है। मेन इटली में सबसे ज़्यादा सैलरी किस काम में है और थोड़ी सैलरी किस फंड्स बन जाती है, ये सारी वीडियोज मैं बनाऊँगा पार्ट्स बाई पार्ट्स। ये गोरी सिगरेट पी रही है देख रहे हैं आप ठीक है, इसने भी शॉपिंग कर ली है। और अब मैं आपको वहाँ पे बार की तरफ ले जाता हूँ ठीक है, कि बार पे क्या सेटअप है, बार पर क्या माहौल है ठीक है। ये अब कोई बंदा है जो कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो मेरी तरफ से गुजरा है, और ये बार बनी हुई है, यहाँ पर लोग बैठ कर नाश्ता करते हैं ठीक है। और ये उनियारो है जहाँ पर तो चीज़ें वगैरह मिलती हैं, हर चीज़ मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया कोई भी हो गया, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। तो वीलॉग बनाने का मकसद ये था आज का कि आपको बताया जाए, आपको जर्नी दी जाए यूरोप की ठीक है, ताकि यहाँ पर कानून बहुत फॉलो करते हैं एक, और नंबर दो यहाँ पर जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, अगर किसी ने छोटी गलती कर दी है वो स्कूज़ा करते हैं, बहुत ही जल्दी स्कूज़ा कर लेते हैं ठीक है। अब मैं आपको ये बैग्स भी दिखाऊँगा, ये बैग्स है जो इसने लगाए हैं ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा सामान इसने लगाया है ठीक है। मैंने आपको दिखाया वो सिगरेट भी पी रही है साथ में, ये आपको वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आपको जर्नी दी जाए, और मुझे आप अपनी कमेंट्स का इजहार राय का इजहार कमेंट्स में पेश करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीलो भी बना के बताता रहूँ और आपको जर्नी देता रहिए। जज़ाकअल्लाह, ईमानिल्लाह, ओके, खुदा हाफिज़।